नमस्कार दर्शकों, मैं आपके साथ नजमा अब्दी और आप देख रहे हैं सुप्रीम पावर न्यूज। और आइए अब हम एक नजर डालते हैं आज की इस खास खबर पर। गोंदिया जिले में 2 अप्रैल को 2009 कोरोना केसेस मास्क नहीं लगाने वालों पर नगर परिषद की 22 टीम की कार्यवाही। सुप्रीम पावर न्यूज के लिए गोंदिया से सतीश पारधी की रिपोर्ट। दंडाधिकारी तथा अध्यक्ष जिला आपत्ति व्यवस्थापन गोंदिया यांचे आदेश दिनांक 12/3/2021 अन्वय शहरातील विविध ठिकाणी मास्क न वापरणारे आणि सॅनिटायझर न ठेवता वापर न करणारे आणि जिथे गर्दी होईल आणि मार्केट एरिया, लॉन, बालोद्यान, इतर आस्थापना सर्व ठिकाणी कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढू नये म्हणून माननीय उपविभागीय अधिकारी तथा दंडाधिकारी आणि इन्सिडेंट कमांडर यांच्यातर्फे शहरात एकूण 22 पथके तयार करण्यात आलेली आहे। या कोरोना प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी शहरात वेगवेगळ्या पथकांकडून कारवाईसाठी आणि लोकांना जनजागृती करण्यासाठी 22 पथके तयार करण्यात आलेली आहे। त्या अनुषंगाने सर्व पथके आपापल्या कार्यक्षेत्रात क्रियाशील आहेत आणि दिनांक 23 पासून आजपर्यंत एकूण 22,000 रुपये दंड ही वसुली करण्यात आलेली आहे। समझौता नहीं पहल चाहिए। राष्ट्रीय समाचार पत्र सुप्रीम पावर आपका अपना अखबार अति शीघ्र पूरे देश में एक साथ प्रकाशित होने जा रहा है। सुप्रीम पावर न्यूज रोज की खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल सुप्रीम पावर न्यूज को सर्च करें और देखें रोज की खबरें। भारत के समस्त राज्यों, जिलों एवं तहसीलों में सुप्रीम पावर समाचार पत्र के रिपोर्टर बनने हेतु संपर्क करें 9424765307। संपादक महेश कात्रे। अपने क्षेत्र की हर छोटी बड़ी खबर को देखने के लिए सुप्रीम पावर न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें।